नमस्ते व्यूअर्स, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे चैनल ऑटो सिंह पे। और आपके लिए लेके आए हैं आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्पैक्ट सेडान, और उस कॉम्पैक्ट सेडान का भी बेस वेरिएंट जो कि आपको पड़ता है 689,000 एक्स शोरूम पे। जी हाँ, 689,000 एक्स शोरूम प्राइस इसका न्यू दिल्ली में है। ये है होंडा अमेज, होंडा अमेज का बेस वेरिएंट, वेरिएंट ई। इस गाड़ी में टोटल जितने भी वेरिएंट्स आते हैं ई एस वी वी एक्स, उस सबका ये बेस वेरिएंट है। आप गाड़ी का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं फ्रंट से। अगर हम फ्रंट से बात करें तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि ये बम्पर फ्लो करता हुआ है यहाँ पे, और 2023 के लेटेस्ट एडिशन होंडा अमेज में ये जो क्रोम आप देख रहे हैं, ये हेडलाइट से फ्लो करता हुआ ग्रिल तक आता हुआ और उसके बाद सेकंड हेडलाइट तक जाता हुआ है। तो ये ऐसा आपको लगेगा कि ये क्रोम पूरा फ्लो करता हुआ यहाँ पे हेडलाइट की तरफ जाता हुआ। उसके जस्ट नीचे आपको दिख सकता है होंडा अमेज ई वेरिएंट में, ये आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स जो कि हैलोजन है, साइड इंडिकेटर और पार्किंग लाइट यहीं पे। इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम दोनों लाइट सेटअप आपको इसी के अंदर मिलता है। किसी तरह का कोई प्रोजेक्टर नहीं मिलता, समझ सकते हैं एक बेस वेरिएंट है। लेकिन जो एक अच्छी बात है वो ये बात है कि अगर हम ग्रिल पे आते हैं तो ग्रिल में भी आपको ये क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं साइड में जाते हुए, और उसके साथ साथ आपको बीचों बीच होंडा की बैचिंग यहाँ पे मिल जाती है। नीचे बम्पर की बम्पर आप देख सकते हैं, बम्पर के साथ एक छोटी सी स्कर्टिंग, एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन फ्लो करता हुआ आपको दिख सकता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ही गाड़ियों में फॉग लैंप नहीं आते हैं या फॉग लैंप की कोई हाउसिंग की कोई जगह नहीं होती, इसमें आपको अभी भी फॉग लैंप हाउसिंग की जगह मिली हुई है। और क्रोम इंसर्ट आपको बेस वेरिएंट से ही फॉग लैंप के पास मिलना शुरू हो जाते हैं। आप बस यहाँ पे एक फॉग लैंप लगवाइए और आपका काम बन जाएगा, फॉग लैंप आपको शोरूम से ही मिल जाएंगे। तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल, देख लेते हैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। और गाड़ी की जिस चीज़ की वजह से गाड़ी चलती है, बोलते हैं हम चार चक्का, तो आपको चक्कों यानी आपको टायर के बारे में बताते हैं। गाड़ी में 14 इंच के स्टील रिम्स आपको मिलते हैं, वेरिएंट ई है, आप देख सकते हैं। गाड़ी का टायर प्रोफाइल है 175/65R14। किसी तरह का आपको कोई पेंटेड या कोई अलॉयज नहीं मिलता है, लेकिन आप चाहें अगर तो एक इस गाड़ी में इस तरह के व्हील कवर ज़रूर लगवा सकते हैं। ये आपको शोरूम से ही मिल जाएंगे और देखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। गाड़ी में जब आप देखेंगे इस गाड़ी के साइड मिरर को, तो ये मैनुअली एडजस्टेबल है। जो भी इंडिकेटर है वो ORVM पे ना आके आपको फेंडर पे मिलते हैं। ये जो साइड इंडिकेटर आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं, बॉडी कलर दिख रहे हैं, ये दरअसल बॉडी कलर नहीं होते, ये ब्लैक नॉर्मल साइड मिरर्स होते हैं। लेकिन ये एक एक्सेसरी के तौर पे आप शोरूम से पेंट करवा सकते हैं और आपको ये बॉडी कलर मिल जाएंगे। सेम वे अगर हम इसके डोर्स पर आते हैं तो आपको डोर्स में भी आपको इस तरह का आपको डोर मिल जाएगा। ये भी नॉर्मली ब्लैक होंगे, लेकिन आप शोरूम से पेंट करवा सकते हैं, वाइट करवा सकते हैं। आप लेके चलते हैं आपको साइड प्रोफाइल पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन है यहाँ शुरू से लेके एंड तक टेल लैंप तक जाती है, हेड लैंप से लेके टेल लैंप तक की लाइन जाती है, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी कॉम्पैक्ट सेडान है, यानी कि 4 मीटर से छोटी ये गाड़ी है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपको देखने में कहीं से भी 4 मीटर से छोटी नहीं दिखती है। पीछे आपको ले चलते हैं इसके टेल लैंप्स की तरफ। यहाँ पे आपको टेल लैंप्स मिलेगा जो कि बोनट जो पीछे जो बम्पर जो डिक्की है वहाँ तक फ्लो करता हुआ, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल सिर्फ इतना एरिया है इसका। तकरीबन 400 लीटर का बूट स्पेस आता है। मैं आपके लिए हमेशा प्रैक्टिकल रिव्यूज़ लेके आता हूँ, ये चैनल आपको हमेशा प्रैक्टिकल रिव्यूज़ देता है, इसलिए आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं। लीटर्स और उनकी टेक्निकलिटीज़ में जाने की बजाय सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डिग्गी में सामान बहुत ज़्यादा आ सकता है। आइए लेके चलते हैं आपको गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं कि आपको डोर पे ये बेज कलर का आपको नॉर्मल कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई दूसरा कलर पैटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था, शुरू में बताया था कि गाड़ी में सारे बेसिक फीचर्स आते हैं, आप ये देखिए और इससे आपको कुछ कुछ एहसास हो जाएगा। चारों पावर विंडोज़ आपको गाड़ी के बेस मॉडल से ही मिलने लग जाते हैं, यानी कि आपको इसमें कोई प्रकार का इलेक्ट्रिकल कोई खर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में आप देख सकते हैं ये लॉक करने के लिए और ये चारों पावर विंडोज़, उसके बाद आप देख सकते हैं ये की इंसर्ट है यहाँ पे नॉर्मल, इसमें किसी तरह का कोई पुश स्टार्ट नहीं आता है, की इंसर्ट आते हैं। गाड़ी के अंदर आपकी नज़र पड़ती है अब स्टेयरिंग पे, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल स्टेयरिंग मिलता है बिना किसी कंट्रोल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे पियानो ब्लैक का काम ज़रूर यहाँ पे आपको दिख जाएगा।
साथ में आपको ये हेडलाइट फंक्शनिंग के लिए हैंडल और यहाँ पे आपको वाइपर के लिए जो हैंडल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के अगर सीट्स की बात करें तो आपको गाड़ी में मिल जाता है फिक्स्ड हेडरेस्ट इस गाड़ी में, क्योंकि बेस वेरिएंट है, इस गाड़ी में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है। लेकिन कुशनिंग की अगर हम बात करें गाड़ी में तो कुशनिंग बेहतरीन है, आप इसमें आराम से, वो कहते हैं ना कि फंस के बैठना वो फंस के बैठ सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको एसी नब्स जो है, आपको एसी की जो हाउसिंग है वो मिल जाती है। इसमें भी किसी तरह का कोई क्रोम या किसी तरह का पियानो फिनिश कोई नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको इसको बंद करने या इसको खोलने का फंक्शन मिल जाता है। गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं हेडलाइट लेवल, वो यहाँ पे मिल जाता है, और जब आप कोई किसी तरह का फॉग लैंप लगवाते हैं तो यहाँ मिल जाता है। डिग्गी खोलने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और ये आपको क्लच एबीसी आपका मिल जाता है, एक्सेलेरेटर ब्रेक एंड क्लच, ये फ्यूल लेट खोलने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, और ये आपको यहाँ पे बोनट खोलने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बेस्ट बात ये है गाड़ी में कि आपको एक क्लच के पास एक फुटरेस्ट भी मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में आप देख सकते हैं, अगर आप, आपको डोर के बारे में बता देते हैं, आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, आपको डोर ओपनिंग नॉब मिल जाता है, चार स्पीकर की हाउसिंग आपको चारों दरवाज़ों पे मिलती है। फिलहाल इनमें स्पीकर्स नहीं है, लेकिन आप इनमें स्पीकर लगवा सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं गाड़ी की एसी कंट्रोल्स के बारे में। देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं वो आपको सेंटर में नज़र आते हुए, और उसके ऊपर ये जो जगह है यहाँ पे आप म्यूज़िक सिस्टम फिट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगेन एसी की हाउसिंग, और यहाँ पे आपको, मैं उस तरफ आके आपको दिखाना चाहूँगा, आपको यहाँ पे एयरबैग की एयरबैग इंसर्ट का आपको जगह मिल जाता है, फिर से एसी के आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपके लिए एक छोटी सी सामान रखने की जगह। गाड़ी में आपको यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स, ये आपका गियर नॉब, ये आपका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, आपका हैंड ब्रेक, कोई किसी तरह का आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ तो आपको ये भी नॉर्मल बिना किसी शीशा, वो कहते ना कि वो जो मिरर है, बिना किसी मिरर के आपको नजर आता है। ये आपको IRVM, ये रियर व्यू मिरर आपको मिलता हुआ, जिसमें डे लाइट जो फीचर है वो अवेलेबल है। ये आपको गाड़ी के पीछे की तरफ लेके चलते हैं। पीछे जाने से पहले आपको लेके चलता हूँ मैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। ये आपको RPM मीटर जो कि एनालॉग है, उसके साथ में स्पीडोमीटर वो भी एनालॉग है, तो ये एनालॉग पर देखने में बहुत ही क्लासिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उसके साथ साथ आपको सेंटर के अंदर आपको एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको गाड़ी की माइलेज, गाड़ी की ट्रिप की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको जो सीट्स हैं गाड़ी की, जो ड्राइवर सीट्स हैं, उसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं आता, ना ही स्टेयरिंग में किसी तरह का कोई टेल्ट या टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आता है। गाड़ी के पीछे अब आपको मैं लेके चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि गाड़ी के पीछे फ़िलहाल कितनी जगह है, क्या नहीं रूम है, क्या लेग रूम है। एक कॉम्पैक्ट सेडान होने के नाते ये गाड़ी आपको भरपूर कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। गाड़ी के सेंटर की अगर हम बात करें तो आपको इसमें किसी तरह का हैंडरेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे बेहतरीन लेग रूम, बेहतरीन नी रूम मिलता हुआ। गाड़ी के अगर बीच में हम की बात करें तो हम एकदम माइन्यूट हम, और बीचों बीच एक बॉटल होल्डर की जगह, साथ में आपको डोर्स पे भी आपको बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको स्पीकर की हाउसिंग भी साथ में पीछे मिलेगी। इस गाड़ी में पीछे आपको चाइल्ड आइसोफिक्स सीट भी मिल सकती है, तो ये इस गाड़ी को एक परफेक्ट फैमिली कार बनाती है। तो ये रहा होंडा अमेज का एक रिव्यू, जो कि आपको 689,000 में पड़ता है, 4 सिलेंडर 1200 सीसी का इंजन। देखिए गाड़ी होंडा अमेज एक परफेक्ट फैमिली कार, अगर आप एक कंफर्टेबल ड्राइव आपके लिए चाहते हैं, सिटी हो या हाईवे हो, एक परफेक्ट फैमिली कार है, जो कि आपकी फैमिली को एक सुरक्षित तरीके से कहीं भी ले जाने में काफ़ी सक्षम है। एशियन एंड कैप में गाड़ी ने 4 स्टार स्कोर किया है, और बेस वेरिएंट भी इसका वर्थ है, क्योंकि आपको सारे बेसिक एक्सेसरीज इस बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं।
हमारे चैनल ऑटो सिंह के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हमेशा इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। हमारे यूज्ड कार के रिव्यूज़ को भी देखना ना भूलें। हम आपके लिए नई गाड़ी के साथ साथ यूज्ड कार और उनकी ओनरशिप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।